हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएस वाले। दोस्तों फाइनली वो वीडियो आज बनने वाला है जिसको मैं कई बार सोचता हूं कि आज बना दूं लेकिन वो रह जाता था। तो आज हम जाने वाले हैं लोटस टेंपल और दोस्तों हम वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं यहां से। ये सामने इरोस टावर है नेहरू प्लेस के अंदर, पीछे पूरा नेहरू प्लेस है जहाँ पर कंप्यूटर मार्केट है। यहाँ पर ये देखिए नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन और हमें सीधा जाना है इस रास्ते पर जो कालका जी की तरफ जाता है, वहीं पर लोटस टेम्पल है। तो हमने लोटस टेंपल के मेन गेट से एंट्री कर ली है और यहाँ से लोटस टेंपल पड़ेगा मैक्सिमम 500 मीटर। तो वैसे तो आप लोटस टेंपल पर किसी भी समय आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप वीडियोस बनाना चाहते हैं, फोटो क्लिक करना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया समय मेरे हिसाब से वो है सुबह का टाइम। क्योंकि दोस्तों जब सुबह का टाइम होता है तो सूरज बिल्कुल उसके सामने होता है और ये पार्क और ये सब कुछ इतने अच्छे से दिखाई देता है कि आप बहुत अच्छे फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे तो सूरज दूसरी साइड है और इसकी वजह से, पीछे से रोशनी आने की वजह से हमें लोटस टेम्पल के सही व्यू नहीं मिल पाते। तो लोटस टेम्पल तो खूबसूरत है ही, लेकिन उसके अलावा अगर इस पार्क को आप देखेंगे जो इसके आसपास आपको दिखाई दे रहा है, मैंने आज तक किसी भी पार्क को इस तरीके से मेंटेन नहीं देखा है। एक एक चीज़ को इतने अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है दोस्तों। हल्की सी घास भी आपको ये नहीं कि थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी दिखाई दी जाएगी या फिर ऐसा कोई पेड़ पौधा है जो एक्स्ट्रा ऐसे ही आ गया हो। दोस्तों वैसे तो मैं इस टेंपल में पहले भी आ चुका हूँ, 10-15 साल पहले की बात है, लेकिन उस समय पर मैं व्लॉगिंग नहीं करता था तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, इसके बारे में इतना जानने की कोशिश नहीं की। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब लेने हैं, जैसे कि ये किस धर्म का टेंपल है और इसके अंदर किस चीज़ की पूजा की जाती है। तो इस तरह के कई सवाल हैं जिनके मुझे जवाब चाहिए और ये सारे के सारे जवाब मैं आपके साथ भी शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो तो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि ये लोटस टेंपल फेमस भी है और काफ़ी बड़ा भी है, तो टाइम तो लगेगा। जब मैं पहले यहाँ पर आया था तो उस समय पर यहाँ पर आप पूरे के पूरे इस टेंपल के अंदर घूम सकते थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बंदिश बहुत ज़्यादा कर दी गई है। ये जो आप पीछे वायरिंग देख पा रहे हैं, ये वायरिंग लगा दी गई है, मतलब एक रास्ता है, बस उस रास्ते से आप जा सकते हैं। ये नहीं कि आप थोड़ा सा भी इधर उधर पार्क में चले गए या फिर कोई अलग रास्ता पकड़ लिया, जैसे ये जो रास्ता आपको साइड में दिखा रहा है, इस रास्ते से बिल्कुल आप निकल सकते थे। पहले आप इधर कहीं भी घूम सकते थे, लेकिन अब एक दायरा है, जैसे ये देखिए पूरा रास्ता बना हुआ है, बस इसी रास्ते से आप जा सकते हैं। अभी जो आप ये मेरे पीछे जो तालाब, ये पौंड देख पा रहे हैं, इसी तरह के 6 से 7 पौंड इस कमल मंदिर के आसपास बनाए गए हैं और लोग यहाँ पर सिक्के फेंकते हैं अपनी मन्नत को पूरी करने के लिए। तो अभी मैं दिखाता हूँ, कुछ पड़े भी होंगे। दोस्तों जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था तो उस समय पर यहाँ पर सामने से एंट्री होती थी, लेकिन अब एंट्री साइड से होती है और इसमें एक चीज़ बदल दी गई है। पहले मेन एंट्री के पास ही जूता घर होता था, वहाँ पर जूते निकाल दिए जाते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल एक थैला दे दिया जाता है, आपको अपने जूते इसी में डाल के रखने होते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप जितने भी लोग देखेंगे उनके हाथ में थैले देखेंगे, इन थैले के अंदर उन्होंने अपने अपने जूते डाल के रखे हैं। दोस्तों
दोस्तों वैसे आमतौर पर यहाँ पर इतनी भीड़ होती नहीं है, लेकिन आज भीड़ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसके पास ही एक मंदिर है, इस्कॉन मंदिर, जो कृष्ण और राधा जी का मंदिर है, और कल जन्माष्टमी है, तो इस चक्कर में आज भीड़ ज़्यादा है। दोस्तों ज़्यादातर हम यही देखते हैं कि मंदिर के अंदर हिंदू जाता है पूजा करने के लिए, और मुसलमान जाता है मस्जिद के अंदर, और ईसाई जाता है चर्च के अंदर। लेकिन दोस्तों ये एक लौती ऐसी जगह है जहाँ पर सभी धर्मों के लोग आकर प्रार्थना कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको सभी धर्मों के लोग दिखाई देंगे। दोस्तों पहले जब भी इस मंदिर के बारे में मैं सोचता था तो एक ही दिमाग में चीज़ आती थी कि अंदर जब बैठते हैं ना तो कोई मूर्ति है, ना कोई ऐसी चीज़ रखी गई जिसकी हम पूजा कर सकें, तो यही सोचते थे। लेकिन आज समझ में आया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, और वो भी आप चाहे किसी भी धर्म के हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब मैं इसके अंदर था तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक गीता का श्लोक बोला गया और एक बुद्ध का मंत्र बोला गया, और सभी धर्मों के एक एक छोटी छोटी लाइन यहाँ पर बोली गई। कहने का मतलब है सभी धर्मों के लोग यहाँ पर प्रार्थना कर सकते हैं, ये किसी एक धर्म का मंदिर नहीं है। दोस्तों ये फ़िलहाल अभी मैंने जूते पहन लिए हैं और ये थैला अभी जमा करवा देंगे, लेकिन मुझे लगा था कि ये जूते पहले ही कहीं ना कहीं जमा करवा लेंगे इस थैले के अंदर डाल के। लेकिन दोस्तों इस थैले के अंदर डालने के बाद में आप ये जूते इस मंदिर के अंदर ले जा सकते हो, बस वो पाँव के अंदर नहीं होने चाहिए लेकिन थैले के अंदर जा सकते हैं। दोस्तों ये टेंपल बहाई धर्म का है और इसको 1986 के अंदर दिल्ली के अंदर बना दिया गया था, जिसे लोटस टेंपल कहा जाता है। और यहाँ पर इसका मेन रीज़न यही था कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आकर प्रार्थना कर सकें। दोस्तों आप ज़्यादातर देखते होंगे कि हर धर्म के अंदर किसी ना किसी को पूजा जाता है, लेकिन इस टेंपल के अंदर किसी को भी नहीं पूजा जाता। हाँ, एक इनके पूजनीय व्यक्ति ज़रूर हैं जिन्हें ईश्वर का अवतार बोला जाता है, बहाउल्लाह, ये उनको अपना महागुरु मानते हैं। दोस्तों अभी शाम हो चली है, अभी हम चलते हैं अपने घर की तरफ। तो ये था छोटा सा वीडियो लोटस टेंपल के ऊपर जो कि दिल्ली में पड़ता है। तो कैसा लगा ये वीडियो, कैसे अभी भी ऐसी वीडियो देख लिए।